गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 3:13। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ सभी से और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो ये हमारे संजीव भाई हैं। कैसे संजीव भाई? नाइस, बढ़िया है। तो ये हमारे संजीव भाई हैं जो कि आज भंडारा खाने जाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ है, कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से प्लान चेंज हो गया। तो जैसे कि भाई ने बताया, भाई आज भंडारा खाने जाने वाले थे, किसी भी रीजन से भंडारा नहीं खा पाए, इसलिए भाई को बहुत अफसोस है कि आज भंडारा क्यों नहीं खा पाए। आप लोग बता दो, आज सप्तमी का दिन है, तो सप्तमी अष्टमी और जो नवमी का होता है, यहाँ पे हर जगह पे भंडारे किए जाते हैं, लोग माता रानी का भंडारा बंटवाते हैं। तो भाई को भंडारा आज फाइनली नहीं मिल पाया। कोई नहीं संजीव भाई, कल खा लेंगे, ठीक है। और ये आशीष है, आशीष क्या हाल चाल? बढ़िया भैया, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो ये था आशीष, ये है प्रीति जो Hi guys, what's up? क्या आपका कुर्सी के पेट क्यों निकला हुआ है बताइए, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। अरे ऐसा हो नहीं सकता, हम कुछ चाह रहे के बड़े सभी फिटनेस हो जाएंगे तो अनफिटनेस फिटनेस भी दिखने चाहिए। और गर्लफ्रेंड कैसी है संजीव भाई? आई हैव नो गर्लफ्रेंड। व्हाई? दो के घूम रहे हो आप? आज आप स्माइल क्यों लग रहे हो, कितने क्यूट लग रहे हो आप। बस बस, इट्स ओके भैया जी, स्माइल प्रीति, स्माइल प्रीति। ऐसा बताइए, आप छोटी छोटी आंखें कैसे हैं आपकी? बचपन से ऐसी हैं भैया। अभी तुम्हारा बचपन ही है बेटा। हाँ, अभी कौन सी तुम्हारे बढ़ापे की पेंसिल आ रही है? तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने एक दोस्त के ऑफिस पर भी आया हूँ, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको मिलवाता हूँ सभी से। तो ये हमारे रजनीश भाई बैठे हुए हैं, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो क्या चल रहा है आजकल रजनीश भाई, आप फास्टिंग में हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए चंदन वंदन लगा रखा है। कैसे हो मैम? बढ़िया। बढ़िया हो? ये हमारी पूजा मैम है, रजनीश भाई की वाइफ हैं और बोले तो हमारी भाभी हैं, इन्होंने भी फास्टिंग रखा हुआ है। आपने फास्टिंग रखा हुआ है? बिल्कुल। कैसा लग रहा है फास्टिंग रखे? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं माताजी की बहुत बड़ी भक्त है, ये देखिए माताजी का फ़ोटो है और इस तरीके से है। ये मैम का ऑफिस है, क्योंकि जो मैम है और रजनीश भाई हैं, ये लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं ये लोग, तो इनका ये ऑफिस है। तो गाइज, मैं अभी आपको बता दूं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और मैं बहुत देर से बैठा हूँ, तो मैम एक बहुत अच्छी कहानी सुना रही थी ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, इनके साथ क्या हुआ मैं इनसे ही आपको सुनवाता हूँ। मैम, आपके साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, उसमें क्या हुआ था, क्या कॉल्स आए थे आपके पास, किस तरीके से बात की जा रही थी? एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था, एक फ्रीज मैंने ओलेक्स में डाला था, ठीक है, सेल के लिए, ठीक है, और उधर से एक कस्टमर बन के मेरे साथ बात किया और मेरे को उसने बोला कि आपका फ्रीज अभी हम ले लेंगे और 5000 आपको मैं पेटीएम में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे को उन्होंने बोला कि स्कैनर आपका भेज दो, मैंने उनको भेज दिया स्कैनर। मेरे को इतना आइडिया नहीं था इस बारे में, तो स्कैनर भेजने के बाद उधर से उन्होंने मेरे को एक स्कैनर भेजा और बोला कि इसको क्लिक करो, इसमें मैं आपको 1 रुपये सेंड किया, इसको रिसीव करो, ठीक है। और मैंने रिसीव किया और बाद में मेरे को उन्होंने कहा कि 2000 रुपये आप इसमें अमाउंट डालो, डाल दिया और वो पेमेंट मेरे अकाउंट से कट गए। बाद में वो कह रहे थे कि 4000 रुपये, 5000 जो हमारी बात हुई है वो आपको अकाउंट में आ जाएगा पैसे, ठीक है। बाद में 2000 के बाद फिर मेरे को बोल रहे कि आप इसमें 4000 एंटर करो, फिर बाद में 7000, मेरा टोटल उसमें 9000-10000 पेमेंट थे, वो सारे डिडक्ट हो गए, मेरे को 1 रुपये पैसे भी नहीं मिले, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, अभी पूजा मैम बता रही थी कि ऑनलाइन फ्रॉड इनके साथ हुआ था, और तो आप लोगों को ही बताना चाहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन ठगी से सावधान रहो, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे ठग हैं, वो पहले आपको बोलेंगे कि मैं आपको पेमेंट करवा रहा हूँ, आप फ्रीज में आपका ले रहा हूँ, मैं बाद में आके ले जाऊँगा, और फिर आपको क्या करेंगे कि गूगल पे फोन पे का आपका नंबर लेंगे, फिर वो कुछ OTP वगैरह भेजते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे ही उनको OTP देते हो, आप जो भी अकाउंट है, बैंक अकाउंट है या पेटीएम अकाउंट है, वो आपका हैक हो जाता है और वहाँ से सारे पैसे कटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं पूजा मैम के पास मिलने आया था, तो बाय मैम। बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है। हिमांशु, क्या बात है, फीवर है, मेडिसिन वगैरह ले रहे हो? यस। मेडिसिन ले रहे हो? मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती हमें इतनी। फिर हुआ कैसे ये सब? बुखार मुझे सिर्फ 24 घंटे चढ़ता है और या 2 दिन में खत्म हो जाता है। मुझे पक्का पता थी कि नज़र लगी हुई है। नज़र लगी हुई है? हाँ जी, 100%। अच्छा, किसने लगाया है?
ये नज़र बता के कोई लगाता नहीं है कि बता के नज़र लगाए होते। अच्छा तो काला टीका क्यों नहीं लगाते आप? काला टीका हम क्यों लगाएं, हम भक्ति महाकाल के हैं। और वैसे दाढ़ी भी आपकी काली हो रही है तो जरूरत क्या काले टीके की? भक्ति महाकाल के हैं। अच्छा मैं फाइनली पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन बैठे हुए हैं। ये रहा अपना संजय, ये हमारे किशन भाई जी। कैसे हो भाई? बहुत अच्छे हो। उदास उदास से क्यों बैठे हो आप? काम धंधा नहीं है इसलिए उदास बैठे हैं। काम धंधा नहीं है? नहीं है। मैंने 20 करोड़ रुपए आते हैं। हाँ ये लो, पाठक भाई को 20 करोड़ आते हैं। भाई 20 करोड़ आते हैं, यहाँ नहीं लंदन होता। मैं चाय मंगा रहा। चाय चाय मंगा लो, फास्ट पी लूँ मैं, कोई नहीं, लेकिन बढ़िया चाय मंगाना कड़क सी। ठीक है लालू मैडम, बहुत बढ़िया। तो शाम के 6 बजे और शाम के टाइम पे सोचा कि चाय पी लेता हूँ। फिर मेरा प्यारा दोस्त, दुलारा दोस्त संजय, इसने चाय मंगवाए हैं और ये रहा हमारा चाय और हम बैठ के चाय पी रहे हैं। मैं हूँ और ये हमारे किशन भाई हैं, ये भी चाय पी रहे हैं। नहीं नहीं आजकल नवरात्रे हैं तो है। ये संजय है, इसका चाय ये रहा। ये बहुत बिजी पर्सन है, बिल्डर साहब ही है, ये बहुत बिजी पर्सन है, देख रहे हो। अभी भी सोच रहा होगा फ़ोन में कि किसके पेमेंट आने किसके नहीं आने। चलो तो निकलते हैं, जा रहे हो किशन भाई? मैं भी निकलता हूँ, बाय बाय बाय। मोटेंगे दासा चलो नमा इमियोगना। हाय एवरीवन, हाय, कैसा अरुण भाई? एकदम फाइन फाइन। और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस मैं रास्ते से जा रहा था और ये हमारे अरुण भाई मिल गए। तो अरुण भाई से काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, कैसे हो भाई? एकदम फाइन। और ये और भी भाई लोग हैं, ये लोग कौन है, आपके दोस्त हैं? ये सब मेरे भाई लोग हैं, यार दोस्त। अच्छा जैसे आप हो मित्र हमारे पुराने, ये अभी न्यू मित्र है हमारे। तो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? बस ऐसे टाइम पास, शाम का टाइम पास, क्या करें। अरुण भाई गाना भी गाते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ये। तो अरुण भाई जो हम दोनों मिल करके गाना गाते थे ना एक बार, अरे वो सुहाना दिन तो बहुत मुश्किल से आते। हाँ हम तो रास्ते में बाइक में गाते रहते थे, है ना, कितना मजा आता था ना? गाते थे, कितना मजा आता था ना? ओ, इस मजे की तो। अच्छा एक काम करो ना, बोलिए पुराने दिन को याद करते हैं, जो आप गाना सुनाते थे ना पहले। हाँ। वो गाना दो लाइन गुनगुना दीजिए। दिल का आना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय, दिल का आना हाय हाय, दिल का जाना हाय हाय, ये आया वो गया, जाने कहाँ खो गया, दिल दिल परदेसी हो गया। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी मार्केट में हूँ और विधायक जी को कुछ लेना है, मैं दिखाता हूँ तो क्या ले रहे हैं। तो ये रहे हैं विधायक जी और ये अपने कुत्ते के लिए मीट ले रहे हैं, क्योंकि कुत्ता तो मीट खाता है उस। गाइस आपको तो पता ही है कुत्ते को तो कोई मतलब नहीं, नवरात्रि चल रहा हो कुछ भी चल रहा हो। विधायक जी अभी अरबी ले रहे हैं सब्जी के लिए जैसे कि आप देख रहे हो। हाँ विधायक जी मैं निकलूँ फिर? ओके बाय बाय। क्या ले रहे हो आप, क्या ले रहे हो? नमकीन कौन सा भैया आ जाएगा? अब ये भैया है, आ करके नमकीन दिखाएंगे फिर उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा नमकीन लेके जाना है। चिप्स बढ़िया, ये चिप्स है ना? हाँ चिप्स, चिप्स है ये, ठीक है बढ़िया चिप्स, एक नंबर। वो क्या है दिखाना? अच्छा बनाना चिप्स, बनाना चिप्स। ये क्या बना रहे हो? कचौड़ी बना रहे हो? तो गाइस ये देखो इग्नो रोड पे शॉप है, ये कचौड़ी बना रहे हैं गर्मा गर्म और यहाँ पे हर टाइप के नमकीन आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोग वहाँ से नमकीन लिए, क्या क्या हमने लिया वहाँ से? नमकीन में अपन ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ नाम बता दो। एक तो काजू वाले नमकीन बिस्किट हो गए, ठीक है, और केले की चिप्स हो गई, ठीक है, और दूसरा आलू की चिप्स और लिए, ठीक है, और दो तीन नमकीन और आइटम अच्छी है। तो भाई जी सारे सामान, आइटम बहुत अच्छी है, आइटम बहुत अच्छे हैं। बिस्कुट नहीं लिया? तो भाई जी ये सारे सामान ले चुके हैं और पार्टी के लिए मस्त काम आने वाला है, क्योंकि ये सारे पार्टी में बहुत काम आते हैं। ये सामने वाला क्या है? धोखेबाज इंसान है ये अमर। मैं 4 बजे से बोल रहा हूँ, एक कप चाय दे दे, इसने मेरे को एक कप चाय नहीं दिया। अमर इधर आओ, इधर आओ अमर, इधर आओ। ये बताओ भाई को धोखा क्यों दे रहे हो तुम? 4 बजे से चाय नहीं पिला रहे हो, चाय नहीं पिला रहे, चाय नहीं पिला रहे।
What's up bro? कैसा होने का? ये हमारा रमेश ब्रो है, गांव से कब आए? 2 महीने हो गए मुझे आए हुए। गांव से भाई को आए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन अच्छे तरीके से मैं आज ही मिला हूँ। एक बार रास्ते मिला था, हेलो हुई थी। ये राजेश बल्हारा, ये तो राजेश बल्हारा है, इसको तो वहाँ ले चलेंगे ऋषिकेश क्या बोलेंगे इसे हम? क्या यू नीड राजेश बल्हारा? तो राजेश बॉनफायर करने चले ऋषिकेश? चलेंगे, मगर भाई मैं नाव नहीं चलूंगा भाई। अच्छा, क्यों डर लगता है? डर लगता है बहुत ज़्यादा, साफ साफ कहना। तो गाइस आपको बता दूँ, एक बार हम ऋषिकेश गए थे तो रिवर राफ्टिंग हमने करी थी, राफ्ट पे राजेश को भी लिया था। तो हुआ ये था कि राजेश को रमेश एक दो बार फेंक दिया नदी में नीचे वहाँ से। उसके बाद राजेश बोल रहा था राफ्ट वाले को कि भाई ये काम करो, 200-400 एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन मुझे उतार दो। तो राफ्ट वाला कह रहा था कि भाई मेरे से तो 500 एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन ठीक से वो क्या बोलते हैं लाइफ जैकेट पहन के बैठ जा वरना हम सारे मरेंगे। तो अभी से मैं इसे पूछ रहा हूँ कि भाई दोबारा चलेगा? कह रहा भाई मैं बिल्कुल नहीं चलूँगा, ले चलना मैं राफ्टिंग बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल डर सा गया ये। क्या राजेश, राफ्टिंग भाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बाकी इंजॉय सारी करूँगा। बॉनफायर चाहिए? हाँ वो तो चाहिए राफ्टिंग। तो गाइस एक बार क्या हुआ था कि हम ऋषिकेश गए थे और ये दिन में बॉनफायर मांग रहा था, दिन में 2 या 3 बजे के आसपास ये बॉनफायर मांग रहा था। इसे एक्चुअली पता था नहीं कि बॉनफायर होता क्या है, तो ये जाके बोला कैंप वालों को कि भैया बॉनफायर दो, और हम लोग इसे सिखा करके भेजे थे कि एक काम कर जाके बोल भाई बॉनफायर दोगे दिन में तभी तो दिखेगा, रात को कहाँ दिखेगा। और इसे पता था कि बॉनफायर कोई ऐसा चीज़ है जिससे फायरिंग होगी, तो कह रहा था रात को तो दिखेगा ही नहीं तो मैं फायरिंग कहाँ करूँगा। इसे बिल्कुल नहीं पता कि बॉनफायर आग का अलाव जलता है जिसको हम बैठ के हाथ सेकते हैं या फिर अपने शरीर को गर्म करते हैं। तो फाइनली बहुत वहाँ पे मजा आया था, हंसी आई थी, क्योंकि राजेश को हम सब मिलके पोपट बना रहे थे, इसका काट रहे थे। फाइनली एंजॉय बहुत मिली थी, मजा आया था ना, लेकिन फिर से चलेंगे एक बार, ठीक है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं चाय और मैगी खा रहा हूँ। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज मैं पूरी रात जगा हूं, आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूं क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। और आप देख सकते हैं घड़ी में 4 बजे हैं और फिलहाल मैं जा रहा हूं रोड पे चाय पीने। तो गाइज मैं फिलहाल रोड पे हूं, ये देखो पूरी रोड खाली है, मेरे पीछे कोई भी नहीं है और मैं जा रहा हूं चाय पीने। एडवांस नहीं है, टोटल दे दूंगा। तो गाइज मैंने चाय पी ली है और फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।